ठीक है, सो वी हैव नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑपरेटर्स व्हिच इज इक्वलिटी ऑपरेटर. इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू, इसको भी हम कैसे मूव कर रहे होते हैं, लेफ्ट टू राइट, यानी कि इन दोनों में से जो पहले होगा हम उसी को पहले प्रोसीड करेंगे. देन लास्ट वन इज असाइनमेंट. असाइनमेंट में सिंगल इज इक्वल टू होता है. अगर मैं कह रही हूँ ए इज इक्वल टू 10, तो ये 10 की वैल्यू ए को असाइन कर रहा है और इसको हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं. मीन्स अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय ई लेट से, तो ये क्या करेगा, इज इक्वल टू सबसे एंड में प्रोसीड होगा. हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, इज इक्वल टू के राइट वाली जो एक्सप्रेशन होगी पहले उसको सॉल्व करेंगे, जो फाइनल वैल्यू आएगी उस फाइनल वैल्यू को इज इक्वल टू से पहले वाले वेरिएबल में स्टोर कर देंगे. तो सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर जो इज इक्वल टू है, इसकी हमारे पास एसोसिएटिविटी क्या होगी, राइट टू लेफ्ट. ठीक है, सो ये हमारे पास सब जो है वो लेफ्ट टू राइट है, बस सिर्फ इज इक्वल टू जो है वो राइट टू लेफ्ट है. इसमें हमारे पास और टाइप्स भी ऑपरेटर्स के होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इक्वलिटी ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास इक्वलिटी ऑपरेटर से पहले आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड और नॉट, और उससे भी पहले आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और. ठीक है, रिव्यू हम कैसे कर रहे हैं, असाइनमेंट करनी है हमने वेरिएबल में, सो हम कैसे करेंगे, वेरिएबल का नाम एंड देन एक्सप्रेशन. सो ए इज इक्वल टू 1+4 मल्टीप्लाई बाय 5. अगर हम देखें तो प्लस और मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी प्रेसिडेंस ज्यादा है, लेकिन क्योंकि मेरे पास 1+4 ब्रैकेट में, तो जो चीज हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा. सो 4+1 वुड रिजल्ट 5 एंड 5 × 5 इज इक्वल टू 25. सो ए की वैल्यू मेरे पास इस केस में क्या हो जाएगी, 25. हम चाहें तो एक्सप्रेशन के थ्रू भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं वैल्यू, और अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट जो है एक लिटरल वैल्यू भी दे सकते हैं. लिटरल वैल्यू क्या होगी, लेट से ए इज इक्वल टू 15. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक डायरेक्ट वैल्यू दे दी, कॉन्स्टेंट वैल्यू जिसे मैं कह रही हूँ. ठीक है, और असाइनमेंट के लिए असाइनमेंट करने से पहले वेरिएबल की डिक्लेरेशन होनी जरूरी है. अगर मैं कह रही हूँ ए इज इक्वल टू 15 और ए इज इक्वल टू, दोनों में से एट अ टाइम कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल अगर मैं इसको चेंज कर दूंगी तो वो प्रीवियस वैल्यू को अपडेट कर देगा, लेकिन डिक्लेरेशन वेरिएबल की हमेशा एक दफा होगी. डिक्लेरेशन मीन्स विद डेटा टाइप इंट ए. तो यहाँ पे हमें वैल्यू असाइन करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले डिक्लेरेशन करेंगे इंट ए, और फिर आगे जाके मैं ए की वैल्यू को असाइन कर सकती हूँ. अगर मैं चाहूँ तो डिक्लेरेशन के साथ ही इनिशियलाइजेशन कर सकती हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 10 लेट्स से. ठीक है, तो पहले ए की वैल्यू 10 होगी, फिर मैंने ए की वैल्यू अपडेट कर दी, एंड देन मैंने ए की वैल्यू फर्दर अपडेट कर दी, सो लास्ट अपडेटेड वैल्यू इज 15. ठीक है, तो पहले हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर होगा, एंड देन आफ्टर डिक्लेयरिंग वी कैन असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल, और वो असाइनमेंट हम थ्रू एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, थ्रू लिटरल वेरिएबल भी कर सकते हैं, और एक और वेरिएबल भी कर सकते हैं. लेट से अगर मैं कह रही हूँ इंट बी इज इक्वल टू ए, सो मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको किससे इनिशियलाइज कर दिया, उस वैल्यू से जो ए की वैल्यू है. सो ए की वैल्यू भी 10 हो जाएगी और बी की वैल्यू भी 10 हो जाएगी मेरे पास. तो हम वेरिएबल के असाइनमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट लेफ्ट साइड पे वेरिएबल नेम होगा एंड इज इक्वल टू के बाद राइट साइड पे कोई वैल्यू एक्सप्रेशन या कोई और वेरिएबल जो कि पहले से इनिशियलाइज और डिक्लेयर हो. देन वी हैव इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट को हम कैसे सी शार्प में मैप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सबसे पहले इफ का कीवर्ड, फिर हमारे पास राउंड ब्रैकेट, उस राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कंडीशन आ गई, एंड कंडीशन के बाद हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स क्या शो कर रहे होते हैं, बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट. इफ कंडीशन इज ट्रू देन बॉडी ऑफ इफ विल बी एग्जीक्यूटेड. जहाँ पे हम मल्टीपल स्टेटमेंट दे रहे हो सकता है कुछ प्रिंट करवाना, हो सकता है फर्दर कुछ कैलकुलेशन करवानी हो. लेट्स से यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ ए इज लेस देन 2, चेक करो कि क्या ए की वैल्यू लेस देन 2 है. इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू देन एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट. अब इस बॉडी में कुछ भी हो सकता है, सिंपल सिक्वेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकती है, फर्दर कोई और इफ भी हो सकता है. ठीक है, और सिंपल इफ विदाउट एनी अल्टरनेटिव भी हो सकता है. मींस सिर्फ इफ स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और उसके बाद जो हमारा नॉर्मल फ्लो होगा वो कंटिन्यू होगा. देन वी हैव ऑप्शन ऑफ इफ विद एल्स. इफ कंडीशन देन बॉडी ऑफ इफ एंड स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ इफ.
एंड एल्स एज वेल, कि हमने इफ के साथ एक ऑल्टरनेटिव दे दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, एल्स ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, ताकि हम चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ इफ वाले ऑल्टरनेटिव में हमारे पास प्रिंट हो. सो यहाँ पे क्या है, इफ ए इज ग्रेटर देन 2, ए इज इक्वल टू 5 करो, नहीं तो अगर ये कंडीशन ट्रू है एल्स क्या कर दो, ए की वैल्यू 10 कर दो. ये ऐसा होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई नई चीज हमने नहीं पढ़ी अभी तक, ये वही सारी वो रिव्यूज हैं जो हमने पीएफ में हम ये सारा काम करके आ चुके हैं. जी क्लास, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके ओके, देन वी हैव लूप्स. डिफरेंट टाइप्स हैं लूप की हमारे पास, फॉर व्हाइल डू व्हाइल. लूप किस लिए कर रहे होते हैं हम, आइट्रेशन के लिए. कोई एक चीज अगर हमें रिपीट करनी हो, एक से ज्यादा टाइम परफॉर्म करनी हो, तो उसको बार बार राइट करने के बजाय, कोट करने के बजाय, हम एक लूपिंग कंडीशन के अंदर उस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं. लाइक वी हैव 3 बेसिक टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप. फॉर लूप क्या कर रहा है, जब आपको पहले से पता हो कि कितने टाइम्स लूप चलेगी, तो यूजली हम यूज करते हैं फॉर लूप. फॉर लूप का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, फॉर का कीवर्ड, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं फॉर लूप के, एक इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और फिर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं जो कि डिटरमाइन कर रहे हैं बॉडी ऑफ लूप, और इसके अंदर जो चीज हमें मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करानी है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो स्टेटमेंट हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 10, हमने लूप को इनिशियलाइज कैसे किया, इंटीजर आई इज इक्वल टू 10, ठीक है. सो हमारे पास लूप क्या है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 10, आई इज ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस, ठीक है. मैंने लूप की इनिशियलाइजेशन क्या की, कि जो मेरा लूपिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 10. जब तक i की वैल्यू बड़ी है 0 से, यानी कि कंडीशन मैंने क्या दे दी, लूप कब तक चलेगा, जब तक 10 इज ग्रेटर देन 0, जब तक i माइनस माइनस करते रहो. और लूप की बॉडी में मैंने क्या दे दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन i, जो कि बॉडी ऑफ लूप है. ये कितनी दफा चलेगा, जब तक मेरी कंडीशन ट्रू होती रहेगी. तो फर्स्ट स्टेप में मेरे पास i की वैल्यू 10 है, अब ये चेक करेगा कि क्या 10 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन इज ट्रू. जैसी कंडीशन ट्रू होगी, ये बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा. बॉडी ऑफ लूप में मेरे पास क्या है, कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट कर देगा आई, आई की वैल्यू अभी क्या है 10. बॉडी ऑफ लूप में एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा लूप का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंस्ट्रक्ट एग्जीक्यूट करेगा. आई में से माइनस माइनस इज इक्वल टू आई माइनस 1, सो 10 माइनस 1 9. ये वाली कंडीशन, ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है लूप की इनिशियलाइजेशन, ये एक दफा चलेगी, और ये जो मेरे पास कंडीशन है ये हर दफा चेक होगी जब तक लूप चलती रहेगी, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जब तक होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ठीक है. सो फिर मेरे पास आई की वैल्यू 9 हो गई. ये चेक करेगा कि क्या 9 ग्रेटर देन 0 है, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, देन एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ लूप एंड प्रिंट आई. तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू विच इज 9 नाउ. 10 प्रिंट हो गया, 9 प्रिंट हो गया. जैसे ये प्रिंट करेगा, आप आई में से माइनस कर देगा, 9 माइनस 1 8. चेक करेगा कि क्या 8 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन इज स्टिल ट्रू, सो देन एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ लूप विच विल प्रिंट आई, जो कि आप क्या हो चुका है 8. 8 प्रिंट करेगा, आई में से माइनस कर देगा 7. 7 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज स्टिल ट्रू. कब तक जाता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू 1 हो जाएगी. 1 पे चेक करेगा, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, कंडीशन ट्रू है, कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट कर दो आई. तो ये रिवर्स ऑर्डर में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 प्रिंट करेगा. फिर यहाँ आएगा, आई की वैल्यू 1 थी, अब क्या करेगा, आई माइनस माइनस 1 माइनस 1 0. 0 पे आके कंडीशन चेक करेगा, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई. कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ना तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, ना ही अब फर्दर डिक्रीमेंट होगा, और ये लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, और मेरे पास 10 से लेकर 1 तक नंबर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा. देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ लूप विच इज व्हाइल लूप. व्हाइल लूप हम यूजली तब यूज कर रहे होते हैं जब हमें पहले से ना पता हो कि लूप कितनी दफा चलेगी. लेट से फॉर लूप तो मैंने कह दिया 1 से लेकर 10 तक, मतलब 10 से लेकर 1 तक चलेगी, लेकिन फॉर व्हाइल लूप हम यूजली वहां यूज करेंगे कि मैं
चाह रही हूँ कि मेरा प्रोग्राम या एक मेन्यू बार बार प्रिंट होता रहे जब तक यूजर ए प्रेस ना करे. ठीक है, सो यू डोंट नो और एज अ प्रोग्रामर डोंट नो कि ए यूजर कब प्रेस करेगा. हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट पे यूजर ए प्रेस कर दे, हो सकता है फिफ्थ अटेम्प्ट पे प्रेस करे ए, हो सकता है 100 अटेम्प्ट पे ए प्रेस करे. तो जब तक वाइल लूप चलती रहेगी जब तक कंडीशन मीट ना हो. तो यहाँ पे हम पहले से प्री डिटरमाइन करना जो है वो वाइल लूप में कर सकते हैं, जैसे फॉर में किया है वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर फॉर और वाइल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. यूजुअली हम वाइल लूप तब यूज करते हैं जब हमें नहीं पता हो कि कितनी दफा लूप को एग्जीक्यूट करना है. जैसे मैंने आपको कहा कि इस मेन्यू को बार बार प्रिंट करते रहो जब तक यूजर ए प्रेस ना करे. अब ए प्रेस करना यूजर की मर्जी है, हो सकता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ए प्रेस कर दे, हो सकता है 15 अटेम्प्ट पे करे, हो सकता है 100 अटेम्प्ट पे करे. तो यहाँ पे व्हाइल लूप क्या है, हमें पहले से नहीं पता कि कितनी दफा लूप एग्जीक्यूट होगी. नहीं, यहाँ हम डिफाइन नहीं कर रहे होते, यहाँ तो हमने डिफाइन कर दिया ना 10. पहले से पता है कि 10 दफा लूप चलेगी 10 से लेकर 1 तक. लेकिन व्हाइल लूप में हम यूजली ये कर रहे होते हैं व्हाइल कैरेक्टर इज नॉट इज इक्वल टू ए. अब आपको नहीं पता कि ए कब तक कैरेक्टर ए के इक्विवेलेंट होगा, आपको नंबर ऑफ टाइम्स नहीं पता कि एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड. तो यहाँ पे डिफाइन नहीं होगी लूप. सो व्हाइल कंडीशन, कंडीशन की जो डिक्लेरेशन है वेरिएबल की, जो लूपिंग वेरिएबल है, वो व्हाइल से पहले इनिशियल डिक्लेयर होगा. यहाँ पे कंडीशन होगी एंड देन स्टेटमेंट होगा. जैसे कि व्हाइल आई इज ग्रेटर देन 0 कंसोल डॉट राइट लाइन आई, और लूप की बॉडी के अंदर ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा. अच्छा, इस सिनेरियो में क्या है, इस सिनेरियो में भी आपको पहले से पता होगा कि लूप कितनी दफा चलेगी. मैंने ऊपर लेट से आई की वैल्यू दे दी 50, int i is equal to 50 while i is greater than 0. इस केस में आपको पता है कि i की वैल्यू 50 है और कहां कितनी दफा चलेगा, 50 से लेकर 1 तक. सो इस केस में भी while लूप फॉर लूप के इक्विवेलेंट है, जिसमें आपको पहले से पता है कि लूप 50 टाइम चलेगा. ठीक है, लेट से अगर मैं कह रही हूँ int i, यूजर से इनपुट लो i, while i is not is equal to कितना मैं कर दूं, जब तक यूजर 100 नहीं देता और बार बार लूप कंडीशन के अंदर I इनपुट लेती रहूं, इनपुट वैल्यू फॉर I, यूजर ने इनपुट दे दिया 50, चेक करेगा 50 इज ग्रेटर देन 0, दोबारा लूप को चेक करेगा. फिर मैंने क्या किया, कंडीशन क्या दी है, व्हाइल I इज नॉट इज इक्वल टू 100, जब तक I की वैल्यू 100 तक नहीं आएगी जब तक ये क्या करेगा, लूप को रिपीट करता रहेगा. अब मुझे नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि एज अ यूजर, जो यूजर है जो प्रोग्राम को रन कर रहा है, वो कब I की वैल्यू 100 देगा. हो सकता है वो थर्ड अटेम्प्ट पे 100 दे दे, हो सकता है वो फिफ्थ अटेम्प्ट पे दे, हो सकता है वो 50th अटेम्प्ट पे दे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स हम पहले से प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते कि लूप कितनी दफा चलेगी. क्लियर है यहाँ तक? देन वी हैव डू व्हाइल लूप. डू व्हाइल लूप हमारे पास कैसे काम कर रही है, डू व्हाइल लूप इज सेम एज व्हाइल लूप, बट डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है कि डू व्हाइल लूप में कंडीशन फॉल्स होने की भी सूरत में भी लूप एटलीस्ट एक दफा बॉडी ऑफ लूप जरूर एग्जीक्यूट होगी. क्योंकि डू व्हाइल का सिंटैक्स हमारे पास इस तरीके का है, डू का कीवर्ड देन बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप के अंदर स्टेटमेंट्स, पहले ये काम कर लो उसके बाद कंडीशन चेक करो. तो अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तो फॉल्स होने की सूरत में भी एक दफा बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो चुकी है. ठीक है, तो डू और व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस इज दैट कि डू व्हाइल लूप जो है वो एटलीस्ट एक दफा चलेगा इवन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है, और व्हाइल लूप एक दफा भी नहीं चलेगा. ठीक है, हम आउटपुट देख रहे हैं कि सी शार्प में अगर हमने आउटपुट यूज करना है, सो आउटपुट के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन. सिस्टम आपको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं होगी अगर आप अपने प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन में ही यूजिंग सिस्टम लिख दें. तो सिस्टम इज द नेम स्पेस जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस डिफाइन है, एक क्लास कंसोल की भी है. सो अगर आप ऊपर यूजिंग सिस्टम लिख लेंगे तो बार बार जब भी आपको कंसोल की क्लास यूज करनी होगी उसके लिए आपको सिस्टम बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा. तो सिस्टम इज द नेम स्पेस बेस क्लास, कंसोल इज द नेम ऑफ क्लास, एंड राइट लाइन इज द नेम ऑफ मेथड विच इज डिफाइंड इनसाइड कंसोल क्लास.
Okay, class. So what is the difference between write line and write method? Difference is that ki write line mein aap jo bhi cheez print karenge wo print hone ke baad aapke cursor ko by default khud se next line pe le jayega. And console.write kya karega? Jo bhi print karwana hai uske print karne ke baad cursor ko usi same line pe jisme aapne print karwaya hai usi pe aap place karega. ठीक है जी. फिर इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल इन्होंने दी है console.write line क्या करेगा, स्क्रीन पे प्रिंट करेगा प्रिंट्स ऑन और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा क्योंकि ये राइट लाइन है. राइट का मतलब स्क्रीन पे लिखो एंड देन नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ. देन अनदर console.write line मेथड विच विल प्रिंट न्यू लाइन प्रिंट होगा और उसके बाद कर्सर फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा. नेक्स्ट लाइन पे हमने जाके क्या प्रिंट किया है, console.write. अब यहाँ लाइन नहीं है, console.write प्रिंट्स ऑन, स्क्रीन पे प्रिंट करेगा प्रिंट्स ऑन और कर्सर को उसी सेम स्पेस पे रखेगा, सेम लाइन पे रखेगा. फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, console.write यानी कि जहां पे कर्सर है वहां पे प्रिंट कर दो सेम लाइन. तो इसने क्या किया, प्रिंट्स ऑन, उसके बाद ये स्पेस थी, स्पेस दी और कर्सर को वहीं पे रखा और फिर console.write में सेम लाइन, तो उसने उसी सेम लाइन पे console.write line प्रिंट कर दिया. So that is the difference between console.write and console.write line. Class अभी attendance send नहीं करनी. आपके chat में आ रही होती है जो attendance है तो उसकी वजह से disturbance होती है class में. अभी attendance send नहीं करनी. ठीक है. Then we have next is console.read line method. ठीक है, अगर हमने किसी वेरिएबल को की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम इसको कैसे करेंगे, int value is equal to 10, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज करवाया और console.write line पे जो वेरिएबल का नाम है वो प्रिंट कर दिया. तो मुझे कंसोल पे क्या प्रिंट कर देगा, वेरिएबल का वैल्यू जिसका मैंने नाम यहाँ पे दिया. और अगर मैं डायरेक्ट हार्ड कोड कर दूं कोई वैल्यू तो मैं उसको इस तरीके से 50.05 भी प्रिंट करवा सकती हूँ. ठीक है. और अगर हमें कैस्केडिंग के साथ करना है, मींस कि यहाँ पे हमारे पास कंकेटिनेशन ऑपरेटर यूज करना है, तो हम कंकेटिनेशन ऑपरेटर के साथ भी, हार्ड कोड का मतलब होता है खुद से वैल्यू देना. खुद से देने का मतलब है मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एज इट इज कुछ प्रिंट करवाना चाहूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो मैंने उसको पाकिस्तान जिंदाबाद दे दिया. और अगर मैं कह रही हूँ int a is equal to 10, तो ये भी हार्ड कोडेड वैल्यू है, मीन्स कंपाइल टाइम पे ही मैंने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी. और उसके अगेंस्ट रन टाइम क्या होता है, int a is equal to console.readline, यानी कि यूजर से इनपुट लो और रन टाइम पे यूजर वैल्यू देगा. हार्ड कोड का मतलब है प्रोग्राम कंपाइल करने से पहले ही आपने वैल्यू दे दियो. ठीक है. अगर मैंने अपने वेरिएबल को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करवाना है, जी बिल्कुल, जो यूजर से आप इनपुट लेते हैं वो हार्ड कोड नहीं होता, वो रन टाइम पे आप इनपुट ले रहे होते हैं. और अगर आपने पहले ही वैल्यू दे दी है कंपाइल होने से पहले, तो वो हार्ड कोडेड वैल्यू होती है. सो आप लोग अपने ऊप के प्रोजेक्ट में भी हार्ड कोड वैल्यू मिनिमम रखेंगे और यूजर से इनपुट लेंगे. वो यूजर इनपुट टेक्स्ट बॉक्सेस में देगा और टेक्स्ट बॉक्सेस से फिर वो चीजें आपकी क्लास के एट्रीब्यूट्स में जाएंगे. और फिर क्लास के एट्रीब्यूट में एक मेथड होना चाहिए, एड का या सबमिट का या सेव का, वो फिर सारे मेथड सारी की सारी चीजें उठा के आपके डेटाबेस पे स्टोर करें. ऐसा नहीं होगा कि टेक्स्ट बॉक्स से फील्ड्स उठ के डायरेक्ट डेटाबेस में जाएंगी, टेक्स्ट बॉक्स से फील्ड्स उठ के जाएंगी क्लास में, क्लास के जो एट्रीब्यूट, जैसे लेट से अगर पर्सन है तो पर्सन का नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ. तो फ्रंट एंड पे मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास एक तीन टेक्स्ट बॉक्सेस होने चाहिए, तीन लेबल होने चाहिए, लेबल वन नेम, लेबल टू एज, लेबल थ्री आपके डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने नेम दिया, सेकंड में उसने एज दी, थर्ड में डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी टेक्स्ट बॉक्स में. और वहां पे एक बटन होना चाहिए सबमिट का, जब वो सबमिट करे, सबमिट का बटन प्रेस होते ही,
ठीक है, सो जैसे यूजर फ्रंट एंड पे जो आपका फॉर्म है उस पर सबमिट का बटन क्लिक करे, सो बैक एंड पे आपके पास बटन के क्लिक होने पे क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स से फील्ड उठे और कहाँ जाके ऐड हो, क्लास के कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए उस क्लास का, यानी कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाए, पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और वो सारी वैल्यूज टेक्स्ट बॉक्स से उठे और कंस्ट्रक्टर में पास हो जाए, और फिर क्लास का मेथड कॉल हो, उस मेथड के थ्रू वो चीजें आपके पास कहाँ जानी चाहिए, डेटाबेस में। ठीक है, तो अभी ये जब हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्टर आपको पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से हम क्लास में कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू इनपुट दे सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पे बेस करता है कि आप कितने फॉर्म्स बनाएंगे। अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है किसी का, तो एटलीस्ट 6 to 7 फॉर्म्स होने चाहिए। एक मेन पेज होगा जिसमें मेन्यू होना चाहिए, इंसर्ट अ बुक, ऐड अ बुक, अपडेट अ बुक, इशू बुक, ठीक है, जो आप उस पर क्लिक कर करके जो है वो आप अपडेशन कर सकते हैं, ऐड अ यूजर, तो हर जो है वो लिंक के लिए, हर बटन के लिए एक अलग फॉर्म होगा। ठीक है, अगर मैंने प्रिंट करना है किसी भी वैल्यू को और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ, सो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मेरे पास क्या होगी, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज भी किया, एंड देन कंसोल डॉट राइट लाइन के मेथड के अंदर मैंने दो चीजें प्रिंट करवा दी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, हेलो प्लस वर्ल्ड। तो ये प्लस यहाँ पे क्या किस लिए यूज हो रहा है, एज अ कंकेटिनेशन ऑपरेटर, जो इन दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करके, कंकेटिनेट करके, मर्ज करके यहाँ पे प्लेस कर देगा। सो कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड विल प्रिंट ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट लाइन क्या है, कंसोल डॉट राइट लाइन, अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ बट विद अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में जो मैंने खुद से कोई भी स्ट्रिंग दे सकती हूँ, उसका कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। तो जो चीज आपने एज इट इज प्रिंट करवानी होती है अपनी स्क्रीन पे, कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड के थ्रू उसको आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। सो मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, वैल्यू इज इक्वल टू, और आगे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। तो यहाँ तक ये वाली चीज जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। देन मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, कंकेटिनेशन ऑपरेटर प्लस, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम वेल। तो इसको जैसे ही वेरिएबल का नाम मिला, ये इसकी वैल्यू उठाएगा 55 और प्रिंट हो जाएगा 55। वैल्यू इज इक्वल टू, ऑलरेडी ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग प्रिंट कर चुका है। जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है, कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, और हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि प्लस ऑपरेटर यूज ना करें, हम कंकेटिनेटेड स्ट्रिंग प्रेस करें यूजिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू इज इक्वल टू प्लस वेल, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय दिस कर्ली ब्रैकेट्स, कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू इज इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एक फॉर्मेटेड फॉर्मेशन दे दी कि हमारे पास किस फॉर्मेट में कहाँ प्रिंट होना चाहिए। सो जीरो कॉमा प्लस हट गया, कॉमा आ गया वेल, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू इज इक्वल टू, वेल की वैल्यू उठाएगा विच वॉज 55 और इस जीरो की जगह प्लेस कर देगा 55। अगर मेरे पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स मुझे प्रिंट करवाने इसी तरीके से, तो मैं किस तरीके से करूंगी, वैल्यू इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट जीरो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जिसको कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 एंड सो ऑन जितने वेरिएबल्स होंगे, और कॉमा सेपरेटेड के साथ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा और कॉमा सेपरेटेड के साथ वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 हर किसी के साथ कॉमा यूज होगा। तो हम एक से ज्यादा वेरिएबल भी इस वाली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ इजीली यूज कर सकते हैं।
ठीक है, लाइक दिस, एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, अगर हमारे पास स्ट्रिंग फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 10 और एक थर्ड वेरिएबल हम ले रहे हैं रिजल्ट, रिजल्ट को क्या रख रहे हैं, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने तीन वेरिएबल्स को एक साथ एक कंसोल डॉट राइट लाइन की स्ट्रिंग में प्रिंट करवाना है एज अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 10 और एक थर्ड वेरिएबल रख लिया जिसकी वैल्यू मैंने रखी है रिजल्ट। और मैं क्या कह रही हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, तो ये 5 प्लस 10 रिजल्ट में स्टोर कर देगा 15। कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने क्या दिया, फर्स्ट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में 0 प्लस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो जो चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। बस जैसे इसको ये वाली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मिलेगी ये फौरन समझ जाएगा कि ये क्या है, ये हमारे पास प्रिंट करवाना है इसको कोई वेरिएबल। सो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सो जहाँ 0 स्पेस है और फिर मैंने आगे कॉमा सेपरेटेड क्या दे दिया, फर्स्ट नंबर कॉमा सेकेंड नंबर कॉमा रिजल्ट, तो फर्स्ट नंबर पे मेरे पास क्या आ जाएगा 5, फिर प्लस एज इट इज प्रिंट हो जाएगा 1 के लिए, फौरन देखेगा कि सेकंड कौन सा वेरिएबल है, सेकंड नंबर विच इज 10, 5 प्लस 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और 2 वाली पोजीशन पे क्या प्रिंट हो जाएगा रिजल्ट विच इज 5 प्लस 10 15। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल वेरिएबल को सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट में विदाउट कंकेटिनेशन ऑपरेटर प्लस यूज कर सकती हूँ यूजिंग कॉमा। ठीक है, अब यूजर से इनपुट अगर हमने लेना है तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास क्या है, डिफरेंट मेथड्स हैं, रीड लाइन, रीड एंड रीड की। डिफरेंस क्या है, रीड लाइन पूरी की पूरी स्ट्रिंग इनपुट लेता है, पूरा का पूरा, जब तक यूजर एंटर प्रेस नहीं करेगा जो भी यूजर टाइप करता रहेगा रीड लाइन का मेथड उसको इनपुट लेता रहेगा, जैसे यूजर एंटर प्रेस करेगा वो सारी की सारी स्ट्रिंग उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सो कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड क्या करता है, पूरी की पूरी यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेता है जब तक यूजर एंटर प्रेस ना कर दे। नेक्स्ट वन इज रीड मेथड। रीड का मेथड क्या करेगा, जो भी आप कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं दे रहे हैं उसको रीड करेगा और उसकी ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा। लेट से अगर मैंने कैपिटल ए इनपुट दिया है, एक ही कैरेक्टर इनपुट लेता है ये रीड वाला जो मेथड है, उसकी ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा। ASCII वैल्यू उस कैरेक्टर के बैक एंड पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे कैपिटल ए की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है 65, तो यहाँ पे रीड मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा ASCII वैल्यू जो मैंने कैरेक्टर एंटर दिया होगा। और रीड की क्या करेगा, रीड की मेथड क्या करेगा, बस सिर्फ और सिर्फ यूजर को प्रॉम्प्ट करेगा कि यूजर कोई रीड कोई भी की प्रेस करे। बेसिकली ये मेथड जो है स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज होता है। क्या क्या, अगर आपने कर दिया कंसोल डॉट रीड की, आपकी स्क्रीन वेट करेगी, जैसे आपने कोई भी की प्रेस की ये मेथड स्क्रीन को बाहर ले आएगा और वापस प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा अगर कोई और स्टेटमेंट्स नहीं है तो। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रीड लाइन, रीड एंड रीड की। हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग है मेरे पास टेक्स्ट स्ट्रिंग, मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है और इसमें मैं चाह रही हूँ कि यूजर इनपुट दे। सो कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने प्रिंट करवा दिया एंटर आ स्ट्रिंग, और टेस्ट स्ट्रिंग में मैंने क्या इनपुट दे दिया, कंसोल डॉट रीड लाइन, और इसी स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट करवा दिया यू एंटर्ड टेस्ट स्ट्रिंग। तो इसने क्या प्रिंट करवा दिया, यू एंटर्ड हेलो वर्ड, और ये जो मेरे पास ये वाला सिंबल जो आ रहा है ये कैसे आया, क्योंकि मैंने ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे प्लेस किया था। सो रीड लाइन का मेथड पूरी की पूरी स्ट्रिंग, देखें जो यूजर ने स्ट्रिंग इनपुट दी स्पेसेस के साथ, ये पूरी की पूरी इसने स्ट्रिंग इनपुट ले ली। देन वी हैव अनदर मेथड, इंट यूजर इनपुट। अच्छा, यूजर इनपुट को मैंने इंटीजर रखा है क्योंकि रीड की का मेथड क्या रिटर्न करता है,
कैरेक्टर जो हमने इनपुट दिया है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा होता है। क्लियर है यहां तक? ओके देन अब हम देख लेते हैं रीड और रीड की का मेथड किस तरीके से काम कर रहा है। मैंने यूजर इनपुट के वेरिएबल को इंट इसलिए रखा है क्योंकि रीड की का मेथड हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या रिटर्न करेगा, जो कैरेक्टर यूजर इनपुट करेगा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू। सो न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमने इंट रखा है। देन फिर हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। हम चाह रहे हैं कि पहले यूजर कोई की प्रेस करे तभी उससे कैरेक्टर इनपुट लिया जाए, ठीक है? ऐसे नहीं हो कि डायरेक्ट जो है वो इनपुट कर दे। एक सिनेरियो रखा है कि पहले क्या करे, यूजर से कहे कि प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, जैसे यूजर कोई की प्रेस करे फिर उसके पास यूज रीड वाला ऑप्शन आए। तो ये क्या किया हमने, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू ऐसी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा एंड कंसोल डॉट रीड की, कंसोल डॉट रीड क्या करेगा, वेट कर रहा होगा, आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। जब तक यूजर कोई की प्रेस नहीं करेगा आपकी स्क्रीन होल्ड रहेगी, आगे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, बस कंसोल डॉट रीड वेट कर रहा होगा कोई भी की प्रेस करने का। जैसे ही ने यूजर ने कोई की प्रेस की, लेट से यूजर ने एक्स प्रेस कर दिया, ये एक लाइन का ब्रेक देगा और कंसोल पे क्या प्रिंट कर देगा, इनपुट यूजिंग रीड, यानी कि आप रीड के थ्रू इनपुट दें। अब यूजर ने कुछ भी इनपुट दिया, एक पूरी स्ट्रिंग दे दी, तो वो क्या करेगा, उसकी जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको, और हमने क्या कर दिया, यूजर इनपुट जो यहाँ डिक्लेयर किया था, यूजर इनपुट इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड। इनपुट यूजर कुछ भी दे सकता है, पूरी स्ट्रिंग दे सकता है, पर ये क्या करेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर की जो ASCII वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, और हमने चाह रहे हैं कि उसको प्रिंट कर दें, तो ASCII वैल्यू इज इक्वल टू 0, यूजर इनपुट। देन वी हैव, अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, जैसे ही मीटिंग एंड हो जाए तो फिर हम इसी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स है, क्योंकि कंसोल डॉट रीड लाइन क्या कर रहा है, स्ट्रिंग रीड कर रहा है। अब अगर मुझे इंटीजर इनपुट लेना है, डबल इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जी सिर्फ जो एक लेटर है ना, क्योंकि ASCII वैल्यू तो वो एक इंटीजर रख रहा है, तो वो एक की ही रखेगा, एक कैरेक्टर की। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए अलग अलग डेटा टाइप के, स्ट्रिंग एंड डबल। मैंने यूजर से कहा एंटर इंटीजर वैल्यू, और उसको कहाँ इनपुट लिया, स्ट्रिंग में, ठीक है? यूजर इनपुट जो मैंने लिया उसको स्ट्रिंग में लिया, मतलब अगर यूजर 14 इनपुट दे रहा है तो वो उस 14 को कैसे शो करेगा, स्ट्रिंग डबल कोट के साथ। मैं यूजर से कह रही हूँ एंटर तो करो इंटीजर वैल्यू, यानी कि 0 से लेकर कोई भी इंटीजर वैल्यू, लेकिन उसको मैं स्टोर कहाँ करवा रही हूँ, रीड लाइन के मेथड के थ्रू, यूजर इनपुट जो एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, लेट से यूजर ने 14 इनपुट दिया, तो उस 14 को क्या कंसिडर करेगा, यूजर इनपुट स्ट्रिंग में रखेगा और उसको एक स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ इंटीजर में। ट्रांसफॉर्म कैसे करूंगी, जो इंटीजर वेरिएबल रखा है उसको मैं करूंगी इंट वेल इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 ब्रैकेट में यूजर इनपुट। ये जो यूजर इनपुट स्ट्रिंग में लिया है उसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में और फिर इस इंट वेल में प्रिंट करवाओ। आप ये टू वे स्टेप को रिमूव करके एक सिंगल वे स्टेप भी करते हैं, जो आज से पहले हम यूजली करते आ रहे हैं, int val is equal to convert.to_int32 और यहाँ console.readline का मेथड रखने हैं, यानी कि उसको एक स्ट्रिंग में इनपुट एक वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय आप इनपुट लें जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में करेगा, और उस स्ट्रिंग को convert.to_int32 में भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप चाहें ये टू वे स्टेप भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इस स्टेटमेंट को हटा दें यहाँ से, ये स्टेटमेंट आपके पास हट जाएगी। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट यहाँ से हट जाए तो आप इस स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दें। आप डायरेक्ट क्या करें, int val is equal to convert.to_int32 और यहाँ से यूजर इनपुट हटा के आप क्या प्लेस कर दें, console.readline।
यानी कि यूजर से इनपुट लें, वो इनपुट यूजर इंटीजर देगा, उसको वो रखेगा बाय डिफॉल्ट कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि स्ट्रिंग रीड करता है, उसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, उस स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करवाएं कन्वर्ट डॉट टू इन 32 और इंटीजर में स्टोर करवा दें, और फिर आप उस इंटीजर को प्रिंट करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने डबल के लिए करवाना है तो डबल के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू डबल, और फिर यहाँ पे भी इस स्टेटमेंट को आप रिप्लेस कर दें और क्या प्रिंट करवा दें, कंसोल डॉट रीड लाइन। तो ये आपको अलग से इनपुट लेने की यहाँ पे भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी देख ली। आपने न्यूमेरिक डाटा इनपुट लेना है, बिल्कुल आप मीटिंग एंड होने वाली सेम इसी मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे।